भारतीय पहलवानों ने राष्ट्रमंडल खेलों में फहराया परचम, हासिल किए 3 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों के घरों में जश्न का माहौल, खिलाड़ियों की स्वदेश वापसी पर भव्य स्वागत की हो रही है तैयारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों से आजादी के पर्व को धूमधाम से मनाने और हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का किया अनुरोध। और आज संसद भवन में 14वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए हुआ मतदान। उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ जनतांत्रिक गठबंधन और मार्गेट अलवा विपक्ष की है उम्मीदवार। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रमंडल खेलों के आज 8वें दिन भारतीय पहलवानों का प्रदर्शन शानदार रहा। भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। स्वर्ण पदक विजेताओं में बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और दीपक पूनिया शामिल हैं। वहीं अंशु मलिक ने रजत पदक और मोहित ग्रेवाल ने कांस्य पदक हासिल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय पहलवानों ने देश का मान और सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि सभी भारतीय उनकी इस उपलब्धि से गौरवान्वित हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इन खिलाड़ियों को बधाई दी और ट्वीट करते हुए कहा कि हरियाणा के धाकड़ पहलवानों ने साबित किया है कि हमारे पहलवानों का डंका पूरे विश्व में बजता है। आज राष्ट्रमंडल खेलों में प्रियंका गोस्वामी और अविनाश मुकुल साबले ने रजत पदक और दिव्या काकरान ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं मुक्केबाज अमित पंघाल और नीतू ने फाइनल में प्रवेश किया और पहलवान रवि दहिया ने भी 57 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए पदक सुनिश्चित किया। ये तीनों खिलाड़ी कल स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगे। बजरंग पूनिया ने एक बार फिर अपने बेहतरीन प्रदर्शन से राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक हासिल कर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। बजरंग पूनिया के परिवार और गांव में जश्न का माहौल है। बजरंग पूनिया ने कहा कि सरकार और सभी लोगों के समर्थन का उन्हें जीत में लाभ हुआ है। उन्होंने विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद जताई। और सभी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा, एक खिलाड़ी को और क्या चाहिए कि सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और उसको गोल्ड मेडल मिल रहा है, तो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था ये। वो चीज आप देख सकते हैं कि भाई कितना मतलब बदलाव आया है। खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, टॉप हैं, भाई गवर्नमेंट है, सभी सपोर्ट कर रहे हैं, तभी रिजल्ट आता है। ये नहीं कि भाई मैं अकेला चलूं और मैं अकेला वो चीजें अचीव कर सकता हूं, तो मुझे नहीं लगता वो चीजें अकेला आदमी कर सकता। बिल्कुल, अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप 1 महीने बाद, तो कोशिश है कि भाई वहां पे भी हम अच्छा प्रदर्शन करें और देश के लिए गोल्ड जीते। बजरंग के परिजनों ने कहा कि इस बार जहां पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं बजरंग पूनिया ने विदेशी धरती पर भारत का झंडा ऊंचा कर देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि स्वदेश वापसी पर बजरंग पूनिया का जोरदार स्वागत किया जाएगा। बेटा यहाँ से गया था, जो वादा करी गया था, पापा आपके देश के लिए गोल्ड ले आऊंगा मैं, और उसने अपना वादा पूरा कर दिया। 4 घंटे सुबह 4 शाम को इतनी कड़ी मेहनत यहाँ करता था, और 1 महीने से USA जा रहा था, वहाँ भी इतनी कड़ी मेहनत करता, वहाँ से परी पर गया है। 2018 में गोल्ड लिया था कॉमनवेल्थ में, उससे पहले रजत ले आया था, और एशियाड में 2018 में लिया था गोल्ड, और अब वर्ल्ड चैंपियन में चैंपियन बनने के वो है, इसका 3 मेडल ले रहा है वर्ल्ड चैंपियन में, और एशियाड आएगा, एशियाड में पहले गोल्ड लिया, अब की फिर गोल्ड ले आएगा। भाई बहुत बढ़िया काम करे, मेरा बेटा मेडल ले आया, देश का, गांव का, गवांड का, सबका नाम करे, बहुत खुशी हुई ज़्यादा। ये मेरे बेटा ने इंडिया झंडा लहराया है, बहुत बढ़िया काम हुआ, यह सबका बेटा हो, सबका लिया हो, सबका नाम रोशन कर। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की महिला पहलवान साक्षी मलिक ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। पूरे प्रदेश और साक्षी के परिजनों को उनकी इस उपलब्धि पर गर्व है। साक्षी मलिक के परिजनों ने कहा कि साक्षी ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रमंडल खेलों में प्रदेश ही नहीं देश का भी नाम ऊंचा किया है। उन्होंने कहा कि साक्षी इससे पहले भी कॉमनवेल्थ खेलों में 3 बार पदक हासिल कर चुकी है। कोपड़ी यही जरा गोल्ड आवे, अरीब का विषय पूरी कर दी, मजे मजे करवा दिए, भारत का जो भारत की शान और हरियाणा का झंडा बांध दिया। कती खड़ा अब की बार जो उसने मेहनत कर रखी थी, अब की बार
मतलब उम्मीद नहीं थी, बहुत ज्यादा उम्मीद थी, उस उम्मीद से भी ज्यादा उसने काम किया। बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही गर्व फील हो रहा है बेटी पे। मेरी क्या बेटी, पूरे देश की बेटी है। आज देखो गोल्ड लिया, 3 बार कॉलेज में गई है, 3 बार मेडल लेके आई। स्वागत की वही बात है कि मैं ढोल बाजे से अपना पूरे खुशी से लेके आएंगे घर पे। साक्षी मलिक के पति अर्जुन अवॉर्डी सत्यव्रत कादिया ने कहा कि हर खिलाड़ी का सपना होता है कि जब वो भारत का प्रतिनिधित्व करे तो स्वर्ण पदक के लक्ष्य के साथ ही आगे बढ़े, और साक्षी ने ये कर दिखाया है। जो हमने स्ट्रेटजी बनाई थी या फिर जो कॉमनवेल्थ गेम जो 4 साल में आते हैं तो हर खिलाड़ी का सपना होता है वहाँ से मेडल लेने का, तो काफ़ी टाइम बाद साक्षी ने वापसी की है इंडिया को रिप्रेजेंट करने में, तो काफ़ी खुशी की बात। पुत्र वधू है साक्षी और मेरा लड़का सत्यव्रत, हम एक ही घर में 3 अर्जुन अवार्डी और ओलंपिक की मेडलिस्ट साक्षी मलिक, और 3 बार कॉमनवेल्थ में ब्रॉन्ज सिल्वर और लास्ट में गोल्ड लेके आई है। बहुत बढ़िया खुशी है, बहुत अच्छा महसूस हुआ बेटा। इस तो बड़ी को खुशी है, इतनी खुशी हो रही है, पूरे परिवार वालों को, सारे पड़ोसी सब आ रहे हैं, सब बधाई दे रहे हैं जी। और जब तिरंगा लहरा है मेरी बेटी ने, मैं तो बहुत फूली नहीं समाई बेटा। राष्ट्रमंडल खेलों में झज्जर जिले के झारा गांव के निवासी दीपक पूनिया ने कुश्ती के 86 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। दीपक की इस उपलब्धि पर पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। दीपक पूनिया के पिता ने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। खुशी हुई, एयरपोर्ट से लेवांगे और गाँव में लेवांगे, पूरा भंडारा करते हैं, उसके लिए सारा गाँव खुशी मनाता है। ग्रामीणों ने कहा कि दीपक ने मेहनत के बलबूते पर ये मुकाम हासिल किया है। बड़ी खुशी है कि ये मेडल आया है, और मेडल की सबसे बड़ी पहचान, ये तीनों मेडल हमारे पुराने रोहतक जिले के हैं, जिसको हम सोनीपत जिला इंक्लूड होता है, और रोहतक और झज्जर। तो सबसे बड़ी बात ये प्रेरणा है, खासकर जो बच्चे राह भटक जाते हैं, नशे की तरफ चले जाते हैं, और कोई दूर, भाई अच्छी मेहनत करो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे कुश्ती में हो, चाहे भाई आप किसी चीज में मेहनत करोगे, शिक्षा आपको हर एक चीज मिलेगी। सरकार भी अच्छा दे रही है, अच्छी सुविधाएं दे रही है, कोचिज अच्छे मिल रहे हैं। आज के दिन अच्छा मेहनत करने वाला बच्चा हो तो मुकाम पे पहुंच। राष्ट्रमंडल खेलों में भिवानी जिले के निडानी गांव वासी अंशु मलिक ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अंशु की इस उपलब्धि पर समूचे गांव में खुशी का माहौल है, और उनके घर लोग बधाई देने आ रहे हैं। अंशु मलिक के परिजनों ने कहा कि वह अंशु की इस उपलब्धि से खुश हैं, और उनका अगला लक्ष्य वर्ष 2024 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाना है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भविष्य में अंशु और अधिक बेहतर प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करेगी। आज गोल्ड होता, कुछ चोट में थी बेटी, इसलिए अपना पूरा नहीं दे पाई, लेकिन फिर भी हम बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि इतनी कम एज है और उसमें इतनी ज्यादा उसने उपलब्धि हासिल किया, उससे बहुत खुश हूँ। देखो जी, सबसे ज्यादा तो उस गुड़िया को ही है, जो इतनी वो चोट रहते हुए भी, चाहे वो ठीक है चाहे चोट है, सर्दी गर्मी किसी चीज की परवाह ना करते हुए अपने शरीर को इतनी परेशानी दे रही और मेहनत कर रही है। फिर उससे ज्यादा उसके पिताजी की है, जिसने अपना सब कुछ छोड़ के अपनी बेटी के ऊपर कुर्बान किया। सभी को खुशी का माहौल है, और गांव में भी ये जितने भी चाचे ताऊ भाई बैठे हैं, इनको भी सभी को खुशी है इस बात की कि सिल्वर मेडल आए, इसीलिए खुशी में बैठे हैं। और सिल्वर कोई छोटा मेडल नहीं है, बहुत बड़ा मेडल है, कि अभी तो उसकी उम्र क्या हुई है। मिठाई भी बन रही है, लाड्डू भी बन रहे हैं, ठीक है, भिवानी जिले के बामला गांव के पहलवान मोहित ने राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि पर परिवार में खुशी का माहौल है। मोहित के परिवार के अनेक सदस्य पहलवानी करते आ रहे हैं, और उनका परिवार पहलवानों का परिवार कहलाता है। मोहित के परिजनों ने बताया कि मोहित इससे पहले भी अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक हासिल कर चुके हैं। उनका खेल तकनीकी रूप से बेहतर रहा है। उन्होंने बताया कि अब मोहित का लक्ष्य एशियन खेलों और वर्ष 2024 में होने वाले ओलंपिक खेलों में पदक हासिल करना है। 40-45 बहुत खुश है, पूरा गाँव खुश है, भाई सारे गुआंड सब बहुत सब खुश है। इसमें सब थी तो गोल्ड की आशा सब ने, भाई ब्रोंज आ गया भी अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ है, सब देशवासियों ने भी बहुत दुआ करी है,
बधाई आ रही है, बहुत बधाई आ रही है, बहुत अच्छा मेडल करवा के बहुत लाएगा। मोहित ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ये बहुत ही गर्व की बात है, देश के लिए, प्रदेश के लिए, हमारी डिस्ट्रिक्ट के लिए, गांव के लिए, हमारे परिवार के लिए। खेल मोहित का अच्छा है, अच्छे मूवमेंट है, इतना वजन होने के बाद सुपर हैवी के पहलवान पैरों में बहुत कम लगते हैं। मोहित में इतना टैलेंट है, वो घुटनों इस टकड़ों में लग जाता है घूम के, मूवमेंट बड़े अच्छे हैं मोहित के। मोहित की जीत के लिए जी हम बहुत खुश हैं सारा परिवार, और देश के लिए मेडल लाए, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई। हमारे हमारे बड़े भाई थे, वो भी पहलवान थे, हम पांचों भाई ही पहलवानी करते हैं, और हमारे चाचा ताऊ भी वो भी पहलवानी करते थे, तो हमारा पूरा परिवार ही पहलवानी से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि इस बार आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी और प्रदेश के सभी ज़िलों सहित 12 सब डिवीज़न पर भी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश भर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आज़ादी के पर्व को धूमधाम से मनाने और हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी और निजी संस्थानों पर तिरंगा फहराने की अपील की। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित 75 स्थानों की पहचान कर वहां कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन स्थानों में मुख्य रूप से पलवल, रोहतक, अंबाला छावनी, भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कोरोना महामारी के प्रति भी सजगता बनाए रखने का आह्वान किया। सभी सब डिवीजन लेवल पर भी कार्यक्रम होंगे। सरकार द्वारा इस बार कुल 75 बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, इसलिए इस क्षण को पूरे हर्षोल्लास से मनाकर राष्ट्र के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना प्रदर्शित करने का ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आजादी के इस पर्व को धूमधाम से मनाएं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस पर हर घर पर तिरंगा फहराया जाए, हर घर तिरंगा ये अपना अभियान रहेगा। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि इसे हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें। उस क्षण की कल्पना कीजिए कि जब देश का हर घर और हर अन्य भवन पर तिरंगा फहरा होगा, यानी जब आजादी मिली है, उस समय का क्या एक अवसर होगा, कैसा दृश्य होगा। पूरा देश तिरंगे के रंगों में, देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ होगा। संसद भवन में 14वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज मतदान हुआ। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान किया, उसके बाद कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने मतदान किया। उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़, जनतांत्रिक गठबंधन और मार्गरेट अल्वा विपक्ष के उम्मीदवार हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव दोनों सदनों से मिलकर बने निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जाता है। संसद में कुल सदस्यों की संख्या 788 है, जिसमें 543 लोकसभा के और 233 राज्यसभा के सदस्य हैं और 12 सदस्य मनोनीत हैं। मतगणना आज मतदान के बाद संसद भवन में ही की जाएगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल इस महीने की 10 तारीख को समाप्त हो रहा है। भारत की पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की आज पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि राष्ट्रहित व जन सेवा में समर्पित उनका जीवन समस्त भारतीयों के लिए सदैव प्रेरणादायी रहेगा। उन्होंने लिखा कि अपने असाधारण कार्यों से वैश्विक स्तर पर देश का मान बढ़ाने वाली हरियाणा की लाडली बेटी, भाजपा की वरिष्ठ नेत्री, पद्म विभूषण स्वर्गीय सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटिश नमन। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय पहलवानों ने राष्ट्रमंडल खेलों में फहराया परचम, हासिल किए 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं खिलाड़ियों के घरों में जश्न का माहौल। खिलाड़ियों के स्वदेश वापसी पर भव्य स्वागत की हो रही है तैयारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों से आजादी के पर्व को धूमधाम से मनाने और हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का किया अनुरोध।
और आज संसद भवन में 14वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए हुआ मतदान। उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ जनतांत्रिक गठबंधन और मार्गेट अल्वा विपक्ष की है उम्मीदवार। समाचार में आज इतना ही, नमस्कार।